कैसे हैं आप लोग? मन से पढ़ रहे हैं ना? देखिए, आज हम आप लोगों को बताएंगे अकाउंटिंग ईयर के बारे में। जो आपको स्क्रीन रिकॉर्ड दे रही है वही ये है। आप समझ जाइए कि अकाउंटिंग ईयर बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अकाउंटिंग ईयर जो है टैली की जान है। कहने का मतलब यह है कि इसके बिना अधूरा है टैली। आप बता रहे हैं कि बिजनेस का जो हिसाब किताब होता है 1 साल के अंदर में होता है, ठीक है? तो वो साल जो होता है अकाउंटिंग ईयर कहलाता है। अब अकाउंटिंग ईयर क्या है, आइए इसको डिटेल से हम लोग समझते हैं। तो अकाउंटिंग ईयर को फाइनेंशियल ईयर भी बोलते हैं। अब फाइनेंशियल ईयर क्या है, अकाउंटिंग ईयर क्या है? तो कैलेंडर ईयर जो होता है 1 जनवरी से स्टार्ट होता है और 31 दिसंबर को इंड हो जाता है। ये अगर 2020 स्टार्ट हुआ है, 1 जनवरी 2020 में स्टार्ट हुआ है, तो 31 दिसंबर 2020 को इन हो जाएगा। लेकिन फाइनेंशियल ईयर में स्टार्ट होता है 1 अप्रैल से और चलता है 31 मार्च तक। तो 1 अप्रैल से स्टार्ट होकर 31 मार्च तक चलता है, ये फाइनेंशियल ईयर कहलाता है। ये भी 12 महीने का होता है और फाइनेंशियल ईयर भी 12 महीने का होता है, मतलब कि दोनों 12 मंथ का होता है। अब फाइनेंशियल ईयर में क्या है कि 3 मंथ छोड़ के, जनवरी, फरवरी, मार्च, 3 मंथ छोड़ के अप्रैल से स्टार्ट होता है। अब अप्रैल से लेकर मार्च तक, मतलब अगले साल में 3 महीना पकड़ लेता है। तो इस प्रकार फाइनेंशियल ईयर होता है। इसको थोड़ा और डिटेल में समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, 1 अप्रैल 2018 से बिजनेस स्टार्ट किए तो मार्च में खत्म है 31 मार्च, तो 31 मार्च 2019 में चला जाएगा। मतलब कि 3 महीना 18 में छोड़ दिए तो 3 महीना 19 में पकड़ लेंगे। तो ये तो हुआ फाइनेंशियल ईयर की बात। अब देखिए, ये जो फाइनेंशियल ईयर होता है इसी में बिजनेस का लेन देन हम लोग करते हैं। बिजनेस का लेन देन का मतलब क्या कि हम लोग कंपनी का हिसाब किताब हर साल अलग अलग रखते हैं। तो एक डेट होता है कि कहाँ से कहाँ तक, तो फाइनेंशियल ईयर कहिए या अकाउंटिंग ईयर कहिए, तो बिजनेस का जो हिसाब किताब है यही फाइनेंशियल ईयर में रखा जाता है, जो 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है और 31 मार्च तक जाता है। तो कैसे रिकॉर्ड होता है, देखिए यहाँ पर थोड़ा इधर करो। 1 अप्रैल से स्टार्ट हुआ, तो 1 अप्रैल से स्टार्ट हुआ है बिजनेस आ जाएगा 31 मार्च, तो कैसे होता है सालों भर इसको बता रहे हैं कि 1 अप्रैल से बिजनेस स्टार्ट किए हम, 31 मार्च तक हम बिजनेस में लेन देन करेंगे। तो 1 अप्रैल का पूरा महीना 1 से 30 तक होगा, तो 300 दिन हम लोग लेन देन करेंगे। इसी तरह मई में करेंगे 300 दिन, इसी तरह 31 का होगा तो 31 दिन करेंगे, जून में, जुलाई में, अगस्त में, सितंबर में, अक्टूबर में, नवंबर में, दिसंबर में। ये तो आपका 9 महीना हो जाएगा इस साल में। और अभी ये फाइनेंशियल ख़त्म नहीं हुआ है, इसके बाद 3 महीना और 19 में करेंगे, जनवरी, फरवरी, मार्च। तो हर महीना में 30 होगा या 31 होगा, फरवरी में तो 28 होगा या 29 होगा। तो हर दिन रिकॉर्ड करते हैं, तो ये पूरा रिकॉर्ड
करने के बाद आपको क्या करते हैं, कोई रिजल्ट निकालते हैं कि क्या फायदा हुआ, क्या लॉस हुआ, क्या प्रॉफिट हुआ, इत्यादि। लेकिन यहाँ पर मैं ये बताना चाहता हूँ कि हमारा फाइनेंशियल ईयर होता है जो 31 अप्रैल से स्टार्ट हुआ तो मार्च को एंड होगा, मतलब कि अगले साल स्टार्ट होता है तो 3 महीना छोड़ के करता है और वो 3 महीने इधर पकड़ लेता है। हर महीना जो होता है उसमें तीसा हो या 31 उस 300 दिन को रिकॉर्ड किया जाता है कि बिजनेस में क्या हुआ। अब हम बात करेंगे एकाउंटिंग सर्किल के बारे में। एकाउंटिंग सर्किल क्या है, साइकिल, एकाउंटिंग साइकिल के बारे में कि हम जो भी बिजनेस में लेन देन करते हैं, ट्रांजेक्शन, देखिए हम लेन देन करते हैं तो कैसे करते हैं, हम लोग फाइनेंशियल ईयर के अंदर ही लेन देन करते हैं तो उसमें पहले जर्नल करते हैं, फिर लेजर करते हैं, फिर ट्रायल बैलेंस बनाते हैं, फिर फाइनेंशियल अकाउंट निकालते हैं, बाद में रिपोर्ट निकल जाता है। तो ये पूरा जो चक्र है वो बोला जाता है अकाउंटिंग साइकिल। होता क्या है कि 1 अप्रैल 2004 से हम बिजनेस स्टार्ट किए, तो स्टार्ट किए तो 1 अप्रैल को हम पूरा रिकॉर्ड इसमें करेंगे। कब तक करेंगे, 31 मार्च तक। तो 31 मार्च तक जर्नल लेजर बनाएंगे और लेजर बनाने के बाद ट्रायल बैलेंस बनाएंगे, फाइनल अकाउंट बनाएंगे। तो ये सब काम जो है आपका 31/3/2002 तक होगा, 31/3/2021 तक, 1/4/2020 से स्टार्ट हुआ तो 31/3/2021 तक कंप्लीट हो गया। अब अगले साल करना होगा, अगले साल करना होगा तो फिर 1/4/2020 है तो हो जाएगा यहाँ पर 21 हो जाएगा। अब इसी तरह फिर होगा जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस, फाइनल अकाउंट, और फिर यहाँ पर 22 हो जाएगा। तो एक बार आपको ये सब सीखने की जरूरत है, आप पूरे साल का अगर सीख लेते हैं एक बार तो हर साल उसी तरह करना है। तो इसलिए आप समझ लीजिए कि जो भी हम लेन देन करते हैं वो फाइनेंशियल ईयर के अंदर ही करते हैं। अब फाइनेंशियल ईयर में करते हैं जर्नल करते हैं, लेजर करते हैं, ट्रायल बैलेंस करते हैं, फाइनल अकाउंट करते हैं। अगर ये डेट पर ही पूरा काम होता है टैली में, ये तो क्लियर हो गया अकाउंटिंग साइकिल के बारे में कि ये एक दूसरे से रिलेट रखता है। और मतलब कि जर्नल, लेजर, जब तक तो जर्नल नहीं बनेगा तब तो लेजर नहीं होगा, लेजर नहीं बनेगा तो ट्रायल नहीं बनेगा, ट्रायल बनेगा फाइनल, तो एक दूसरे से ये रिलेटेड रहते हैं और इस तरह अकाउंटिंग साइकिल कंप्लीट हो जाता है और फिर रिपीट होता है। तो ये तो समझ गए अकाउंटिंग सर्किल के बारे में। अब हम लोग बात करते हैं पीरियड के बारे में कि देखिए हम लोग 1/4/2013 से बिजनेस स्टार्ट किए, 4 अप्रैल, तो 31/3/2019 तक जाएंगे। 1/4/2018 से बिजनेस स्टार्ट किए तो 31/3/2019 में जाएंगे, तो इसका पीरियड होगा 28-19। आप ऐसे नहीं कहेंगे 1/4/2018 से 31/3/2019, नहीं, आप डायरेक्ट कर दीजिए 28-19 का बिजनेस है, 1/4/2019 से 31/3/2020 ये फाइनेंशियल ईयर हो गया। फाइनेंशियल ईयर को FY से इंडिकेट करते हैं। तो हर साल इसी तरह बिजनेस करते जाएंगे, डेट बढ़ते जाएगा। इससे फायदा ये है कि हम किसी साल का हिसाब किताब देख सकते हैं। अब हम किसी को से पूछना होगा कि इस साल का हमको बिजनेस दिखाओ, तो हम पीरियड बताएंगे कि 18-19 का दिखाओ, 19-20 का दिखाओ। तो ये सब फाइनेंशियल ईयर को पीरियड से हम लोग मापते हैं, जानते हैं। अब हमारा जो फाइनेंशियल ईयर है 1 अप्रैल 2000 जो भी हो ईयर से 31 मार्च तक होता है,
लेकिन अलग अलग देशों में अलग अलग फाइनेंशियल ईयर होता है। फाइनेंशियल ईयर का मतलब एक बार दिमाग में डाल लीजिए कि फाइनेंशियल ईयर जो होता है वो आपका बिजनेस करने का, जो बिजनेस आप लोग करते हैं वो हिसाब किताब करने का साल होता है। मतलब किसी साल में हम बिजनेस कर रहे हैं तो उस साल को फाइनेंशियल ईयर कहेंगे। तो अलग अलग कंट्री में, अब देखिए ऑस्ट्रेलिया में 1 जुलाई से स्टार्ट होता है और 30 जून को एंड होता है। चाइना में 1 जनवरी को स्टार्ट होता है, 31 दिसंबर को क्लोज हो जाता है, एंड हो जाता है। जापान में 1 अप्रैल का स्टार्ट होता है, 31 मार्च को एंड हो जाता है। पाकिस्तान में 1 जुलाई को स्टार्ट होता है और 30 जून को एंड हो जाता है। तो इस तरह अलग अलग देशों में है। अब देखिए यूनाइटेड स्टेट, यूनाइटेड किंगडम, तो यूनाइटेड स्टेट 1 अक्टूबर से 30 सितंबर तक होता है, जबकि यूनाइटेड किंगडम जो है वो 6 अप्रैल से 5 मार्च तक फाइनेंशियल ईयर होता है। ये सब फाइनेंशियल ईयर अलग अलग कंट्री में अलग है। बस फाइनेंशियल ईयर का मतलब हुआ कि जिस साल हम बिजनेस का हिसाब रखते हैं उसको फाइनेंशियल ईयर कहते हैं। इसको एकदम दिमाग में रख लीजिए। आपको फाइनेंशियल ईयर क्या है, तो भाई इंडिया के फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है और 31 मार्च को एंड होता है। तो ये तो आपको क्लियर हो गया है। हम लोग कैलेंडर ईयर तो रखते हैं 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक, उसी साल में ख़त्म होता है, लेकिन फाइनेंशियल ईयर में ऐसा नहीं है। ठीक है, यहाँ तो आप हम लोग समझ गए। लेकिन एक चीज़ बता रहे हैं कि हम लोग का फाइनेंशियल ईयर ये नहीं था 1 अप्रैल से नहीं था, वो था 1 मई से 31 अप्रैल तक। आप इसको समझिएगा कि हमारा जो फाइनेंशियल ईयर था वो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक अभी चल रहा है, लेकिन था नहीं। ये जो 1867 में ब्रिटिश सरकार ने इसको चेंज करके 1 अप्रैल से 31 मार्च कर दिया, तो उसी समय से ये चलते आ रहा है। क्योंकि ब्रिटिश का जो गवर्नमेंट था वो शासन करता था, जिस देश में वो शासन करता था उस देश में यही फाइनेंशियल ईयर चलता है। 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है और 31 मार्च को एंड होता है। लेकिन सभी देशों में ऐसा नहीं है, ज़्यादातर देशों में जनवरी से दिसंबर होता है, और इंडिया भी चाहती है कि जनवरी से दिसंबर तक का ये डेट कर दे फाइनेंशियल ईयर। बट इसमें प्रॉब्लम क्या आता है कि हमारा जो स्टेट है वो नहीं चाहता है, क्योंकि आदि हो गए हैं हम लोग 1 अप्रैल से 31 मार्च का, जो अंग्रेजों ने ये डेट डाल दिया है। तो इस तरह ये डेट का फंडा है। और बढ़ते हैं, हम बात कर लेते हैं आरबीआई का। आरबीआई का अपना अकाउंटिंग ईयर अलग ही होता है। आरबीआई का अपना अकाउंटिंग अलग ही होता है। वो अकाउंटिंग ईयर होता है जुलाई से जून ये होता है। अब इसकी बारे में जाना जाए, देखिए आरबीआई क्या है ना, ये जितने भी बैंक है हमारे इंडिया में उसका माई बाप है, समझिए। यहीं पर नोट की छपाई होती है, यहीं से आरबीआई से ही पूरा जितना भी पैसा बैंक में जाता है आता है, पूरा कंट्रोल मैनेजमेंट आरबीआई करता है। अगर पैसा की छपाई भी करना है तो आरबीआई करता है। अब आरबीआई जो है वो जितने भी बैंक हैं, HDFC बैंक, PNB बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, SBI, ये सब
बैंक को ये पैसा करेंसी प्रोवाइड कराता है, इस तरह हम लोग का चलता है। तो इसमें अकाउंटिंग ईयर की क्या बात है कि जो भी बैंक है, जो अदर बैंक हो गया, रिजर्व बैंक के अलावा जो बैंक है, वो लोग ये बैंक जो है इनका फाइनेंशियल ईयर जो होता है अप्रैल से मार्च होता है। ये लोग भी अपना साल भर बिजनेस करते हैं, जो भी लेन देन करते हैं उसका हिसाब किताब ये रखते हैं अप्रैल टू मार्च तक, और आरबीआई रखता है जुलाई से जून तक। ऐसा क्यों, एक बात बता रहा हूँ आप लोग को कि ये जो बैंक है HDFC, PNB, बैंक ऑफ बड़ौदा, एक्सिस बैंक, बहुत सी बैंक है, तो वो बैंक जो भी लेन देन करती है उसका रिपोर्ट आरबीआई को भेजती है। तो आरबीआई इसको स्टडी करता है, जांचता है, देखता है, तो उसमें टाइम लगता है, तो इसलिए उसने अप्रैल के बाद, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, 3 महीना के बाद अपना बिजनेस मतलब कि फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट की और जून में एंड की। ये कारण है जिससे इस तरह आरबीआई का ये फाइनेंशियल ईयर होता है। ये चीज़ और बता रहे हैं, इसका स्थापना हुआ था 1935 में, 1935 में हुआ था, और ये फाइनेंशियल ईयर जो है, फाइनेंशियल ईयर जो है ये 1940 में, 1940 में ये जुलाई से जून कर दिया। पहले आरबीआई का जो फाइनेंशियल ईयर चलता था तो जनवरी से दिसंबर होता, जनवरी से दिसंबर में फाइनेंशियल ईयर होता था आरबीआई का, लेकिन 1940 में इसको बदल दिया। ये जो होता है अदर जो बैंक हैं, कमर्शियल बैंक होता है सब, तो ये लोग क्या करते हैं कि जो बिजनेस का, गवर्नमेंट का जो फाइनेंशियल ईयर है 1 अप्रैल से 31 मार्च तक, उस ईयर में एक काम करते हैं। तो यहाँ तक आप लोग को क्लियर हो गया। अब हम चलते हैं बजट की, बजट्स एंड इनकम टैक्स फॉर अकाउंटिंग ईयर, इसका मतलब क्या हुआ देखिए। बजट का मतलब होता है फ्यूचर प्लानिंग, ठीक है। गवर्नमेंट हमारा जो है वो हर साल बजट पास करता है, ठीक है, और उस बजट में टैक्स का रेट जो फिक्स करता है। इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ देखा जाए कि इसमें 3 ईयर हो जाते हैं, एक प्रीवियस ईयर, एक फाइनेंशियल ईयर, एक असेसमेंट ईयर। फाइनेंशियल ईयर का मतलब वही है कि फाइनेंशियल ईयर में आपका पूरा बिजनेस का हिसाब रखा जाता है, मतलब जो भी कमाई करना है वो फाइनेंशियल ईयर के अंदर करेंगे। यहाँ तो क्लियर है। प्रीवियस ईयर और असेसमेंट ईयर, ये दो चीज आया है बजट और इनकम टैक्स के लिए। क्या आया है इसको ध्यान से सुनिए। पहला जान जाइए कि प्रीवियस ईयर हो या फाइनेंशियल ईयर हो या असेसमेंट ईयर हो, ये 12 मंथ का होता है, 12 महीने का ये ईयर होता है। आ इन सब का फाइनेंशियल ईयर जो होता है 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है, 31 मार्च को एंड होता है। दो बात, तीनों 12 महीना का होता है, और दूसरा 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है और 31 मार्च को एंड होता है। ये क्लियर हो गया। होता क्या है
कि प्रीवियस ईयर में गवर्नमेंट जो रूल लगाती है, ठीक है, बजट पास करती है, रूल लगाती मतलब बजट पास करती है, बस अभी इतना ही समझें, डिटेल में बताएंगे। तो प्रीवियस ईयर में रूल पास होता है तो वो रूल को फॉलो करता है फाइनेंशियल ईयर, क्योंकि फाइनेंशियल ईयर में ही हम लोग लेन देन करते हैं। और जब ये फाइनेंशियल ईयर खत्म होता है तब आता है असेसमेंट ईयर, और असेसमेंट ईयर में सब जितना भी कैलकुलेशन होता है टैक्स का, इनकम का, वो एसेस किया जाता है। और डिटेल में जानने के लिए आपको इस चित्र द्वारा, इस एक मैं ये एग्जाम्पल देकर आपको समझा रहा हूँ, ध्यान से समझिएगा इसको। मान लीजिए कि 2020 से 2021 पीरियड है, ये है फाइनेंशियल ईयर। 2020 से 21 कह दिए तो आप समझ जाइए कि 1 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2021, ऐसे समझिए। अगर हम यहाँ पर समझाए थे तो ये फाइनेंशियल ईयर होगा, मतलब कि इस साल का जो हिसाब किताब होगा, हम 1 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2021 रखेंगे। तो फाइनेंशियल ईयर में ये है, तो फाइनेंशियल ईयर ये है। अब इसमें क्या होगा कि जो भी लेन देन करेंगे, परचेज करेंगे, सेल करेंगे, जो भी करना होगा बिजनेस का, वो सब करते हैं किस लिए, कमाई के लिए। तो इस साल कमाई होता है, फाइनेंशियल ईयर में कमाते हैं माने बिजनेस करते हैं, तो उसको बोलते हैं इनकम अर्न। मतलब कि फाइनेंशियल ईयर में हम लोग इनकम अर्न करते हैं। जैसे ही ये साल बीतता है इमीडिएटली, तो हम लोग दूसरा जो साल आता है उसको बोलते असेसमेंट ईयर। फिर से सुन लिया जाए कि जैसे ही बिजनेस हो गया साल भर, मतलब 1 अप्रैल से 31 मार्च तक हमने बिजनेस कर लिया, अब अगला साल जो होगा वो साल असेसमेंट ईयर कहलाएगा। इसमें क्या होता है, असेसमेंट का ही मतलब होता है कि जो भी पीछे साल में, मतलब कि फाइनेंशियल ईयर में, पीछे साल में, ये ध्यान दीजिएगा, पीछे साल में फाइनेंशियल ईयर में जो भी कमाई हुआ है उस सब का असेसमेंट होता है, मतलब कि चेक किया जाता है, उसको वेरीफाई किया जाता है, उसका कैलकुलेट किया जाता है। ये करता है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट करता है। एक्चुअली है क्या ना, इनकम टैक्स के बारे में आपको बता दूं कि गवर्नमेंट जो है, सरकार हमारी है, वो टैक्स पर ही चलता है। तो वो क्या करता है कि दो तरह का टैक्स लगाता है, एक डायरेक्ट टैक्स और एक इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स जो होता है इनकम टैक्स होता है, और इनडायरेक्ट टैक्स होता है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। मतलब कि हमारा जो कंट्री है उसमें गुड्स बिकता है, जो भी सामान बिकता है वो गुड्स हो गया, और जो भी सर्विस, तो सर्विस पर गुड्स पर टैक्स लेता है। क्लियर है यहाँ तक? तो ये सरकार को पैसा गया कि नहीं गया, मिला कि नहीं मिला, ये गवर्नमेंट उस पर नज़र लगाई रहती है, उसके लिए एक डिपार्टमेंट लगा दे, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। अब समझ में आ गया? तो वो जब फाइनेंशियल ईयर ख़त्म होता है, 31 मार्च ख़त्म हो गया, तो असेसमेंट ईयर में आ गया। अब ये असेसमेंट ईयर में ये सब चेक होता है, कैलकुलेट होता है। तो कैसे होता है, तो ये असेसमेंट ईयर करता है
पीछे साल का जो फाइनेंशियल ईयर बीत गया है इस साल का एक एक चीज चेक करेगा कि आपने क्या सेल किया, क्या परचेज किया, कौन टैक्स रेट लगाए, किस रेट से आप बेचे हैं, वो हर चीज का रिपोर्ट तैयार करता है सरकार। सरकार दैट मीन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। तो ये हो गया असेसमेंट ईयर। अब प्रीवियस ईयर क्या है? देखिए, जब तक बिजनेस चलता है तब तक कहलाता है फाइनेंशियल ईयर। जैसे ही बिजनेस खत्म हुआ, मैंने फाइनेंशियल ईयर खत्म हुआ, तो हो गया असेसमेंट ईयर। तो दो समझ में आ गया, फाइनेंशियल ईयर और असेसमेंट ईयर। अब प्रीवियस ईयर की बात करते हैं। तो ये असेसमेंट करेगा कैसे? वो देखेगा फिर पीछे से कि फाइनेंशियल ईयर में क्या हुआ इस साल, मैंने पिछले साल क्या हुआ, प्रीवियस में क्या हुआ, तो वही को बोलते हैं प्रीवियस ईयर। माने कह सकते हैं कि फाइनेंशियल ईयर को ही प्रीवियस ईयर कहा जाता है। 100 बात में एक बात यहाँ पर लिख दिए, व्हेन कंप्लीटेड द फाइनेंशियल ईयर देन कॉल प्रीवियस ईयर। मतलब जैसे ही फाइनेंशियल ईयर खत्म होता है तब ये अब फाइनेंशियल ईयर नहीं रह जाता है, वो हो जाता है प्रीवियस ईयर, क्योंकि असेसमेंट ईयर आ जाता है। असेसमेंट कैसे करेगा, चेक कैसे करेगा, पीछे साल का देख के। तो पीछे साल क्या है, फाइनेंशियल ईयर था, तो फाइनेंशियल ईयर अब रहा नहीं, वो रह गया प्रीवियस ईयर हो गया, फाइनेंशियल ईयर के जगह पर हो गया प्रीवियस ईयर। तो आप कह सकते हैं कि प्रीवियस ईयर और फाइनेंशियल ईयर एक ही होता है। अब यहां पर एक चीज और बात बता रहे हैं आपको, होता क्या है कि बजट के बारे में डिटेल में बताएंगे, लेकिन थोड़ा सा इसको हिंट देते हैं कि ये जो फाइनेंशियल ईयर में लेन देन होता है, बिजनेस चलता है, तो जो गवर्नमेंट ने बजट में बताया रहता है उसी के हिसाब से चलता है फाइनेंशियल ईयर। और असेसमेंट ईयर में एसेस किया जाता है कि क्या कल इनकम टैक्स कितना हो गया इसका, कौन किस बात पर इनकम टैक्स लगा। तो ये जो कानून नियम है, ये जो बजट पास हुआ है उसके आधार पर ये सब करता है। अब इसका डिफिनेशन दिया जाए कि असेसमेंट ईयर क्या है, इच कम आफ्टर द फाइनेंशियल ईयर, मतलब असेसमेंट ईयर आता है फाइनेंशियल ईयर के बाद। इट्स कम आफ्टर द फाइनेंशियल टैक्स इज एक्सेस्ड फॉर द टोटल इनकम ऑन प्रीवियस ईयर। मन टैक्स का जो कैलकुलेशन करते हैं टोटल इनकम, ये प्रीवियस ईयर को देख के पीछे साल इन्हें क्या किया। तो फाइनेंशियल ईयर और प्रीवियस ईयर एक ही होता है। अब हम बात करेंगे बजट के बारे में डिटेल से, आपको ध्यान से सुनिएगा। हाँ, देखिए, बजट मतलब होता है फ्यूचर प्लान, फाइनेंशियल प्लानिंग। ये होता क्या है कि पार्लियामेंट, हमारे देश में हर साल बजट आता है, ठीक है, ये बजट वही पास करता है, वही सरकार बजट लाती है जो गवर्नमेंट में रहती है। कहने का मतलब है कि अगर सरकार में बीजेपी है तो वो बजट पास करेगी, कांग्रेस है तो कांग्रेस पास करेगी। तो हमारे गवर्नमेंट में अलग अलग डिपार्टमेंट है, मिनिस्ट्री है। तो एक मिनिस्ट्री है फाइनेंस मिनिस्ट्री। देखिए, कभी मनमोहन सिंह जो प्रधानमंत्री नहीं थे तो उस समय फाइनेंस मिनिस्टर थे, इसके बाद बने थे प्राइम मिनिस्टर। तो उसी प्रकार अरुण जेटली भाजपा में फाइनेंस मिनिस्टर हुए, उनके डेथ होने के बाद निर्मला
निर्मला सीताराम रमन ने फाइनेंस मिनिस्टर बनाया गया। तो निर्मला सीतारमन क्या करेगी कि बिल पास करेगी पार्लियामेंट में, ध्यान सुनिएगा। तो बिल क्या होता है, बिल एक ड्राफ्ट होता है, मतलब उसमें लिखा रहता है कि इनकम टैक्स में क्या रेट होगा, सर्विस टैक्स का क्या रेट रहेगा, रेलवे बजट, मतलब हर तरह का उसमें पूरे साल का रिवेन्यू के लिए, इनकम के लिए पूरा उसमें खाका रहता है। और वो चीज़ को पार्लियामेंट में रखा जाता है। तो पार्लियामेंट में कब रखा जाता है, ये बात हुई। तो ये हर साल लास्ट डे ऑफ फरवरी, फरवरी की लास्ट डे में रखा जाता है, 28 को हो या 29 को हो। एक बात बता देते हैं आपको कि जो सरकार में रहता है पार्टी वही बजट पास करता है। अगर कभी इलेक्शन होता है तो उस सिचुएशन में फरवरी को भी पार करता है, मतलब कि इलेक्शन जीतने के बाद जो गवर्नमेंट आती है वो बजट पास करती है। कहने का मतलब वो कैसे सरकार चलाएगी, ये जो बजट पास करते हैं तो उसमें सब रहता है कि जैसे मान लीजिए कि इन साल कोरोना आ गया है तो कोरोना के लिए इन साल हमको हॉस्पिटल बनाना होगा, हर स्टेट में 10-10 दवा लाना होगा, दवा के लिए वो फैक्ट्री बैठाना होगा, मिसाइल लेना है, उन जो भी प्लानिंग है वो चीज़ को यहाँ पर पार्लियामेंट में फाइनेंस मिनिस्टर जो भी केंद्र में रहेगा, जैसे अभी है निर्मला सीतारमण, वो पार्लियामेंट में उस बात को रखेंगी। अब क्या होगा कि उस पार्लियामेंट में दो सदस्य रहते हैं, मेंबर होते हैं, एक होता है लोकसभा और एक होता है राज्यसभा, मेंबर होते हैं। इन्हीं मेंबर लोकसभा का 545 और राज्यसभा का 245 मेंबर होते हैं और ये लोग आपस में डिस्कस करते हैं। अगर 50% वोट हो जाता है तो वो बिल पास हो जाता है, लेकिन पास होने से पहले अगर दोनों ने राजी कर दिया कि हाँ ठीक है ये चीज़ होना चाहिए, इस पर इनकम टैक्स पर 50% लगना चाहिए, 50% लगना चाहिए, ये पास हो गया, तो प्रेसिडेंट जो होंगे वो क्या करते हैं, इस बात को एक्सेप्ट कर लेते हैं और ये एक एक्ट बन जाता है, फाइनेंस एक्ट बन जाता है। भाई अब इन साल जो बिजनेस होगा, आने वाला साल जो बिजनेस होगा, तो जो जो टैक्स का रेट रखा हुआ है, जो भी टैक्स का रेट रखा हुआ है, उसी रेट से इन साल लोग बिजनेस करेंगे। बात समझिए, ये सब कहने का मतलब मेरा बस एक ही है कि पार्लियामेंट में बजट पास होता है, उसमें सब फिक्स किया जाता है कि क्या क्या कैसे लोगों से टैक्स लिया जाएगा, जीएसटी का क्या टैक्स रेट रहेगा, इनकम टैक्स का क्या है, दोनों अलग अलग चीज़ है। जीएसटी जो है वो आपको बिजनेस पर लगता है, मतलब गुड्स और सर्विस पर लगता है, आ इनकम टैक्स पर्सन पर लगता है, व्यक्ति पर लगता है, व्यक्ति मतलब कि जो कंपनी चलाता है, जो ऑर्गेनाइजेशन खड़ा किया हुआ है, तो उस कंपनी से उसको कितना इनकम हुआ, तो फाइनेंशियल ईयर में, वो फाइनेंशियल ईयर में देखा जाता है। और फाइनेंशियल ईयर में जो बिजनेस करता है तो वही बजट में जो रेट रहता है उसी के अनुसार ये चलता है, ये समझ में आगे होगा। आइए इधर समझाते हैं आपको, अब तीनों के बारे में बता रहे हैं कि प्रीवियस ईयर, फाइनेंशियल ईयर और असेसमेंट ईयर। देखिए 18 से 19, अब 18 से 19 पीरियड बना देते, आपके दिमाग में हो जाना चाहिए कि 1 अप्रैल 2018, 31 मार्च 2019, जब पीरियड बताते हैं तो आपके दिमाग में ये होना चाहिए। तो 2018 से 19 प्रीवियस ईयर हो गया और
2019 से 2020 फाइनेंशियल ईयर हो गया, मानते हैं, मान रहे हैं, और 2020 से 2021 ये हो गया असेसमेंट ईयर। तो तीन फाइनेंशियल, तीन गो ईयर हो गया, और तीनों फाइनेंशियल ईयर यही होता है, लेकिन अलग अलग डेट है। तो अब देखिए, तो प्रीवियस ईयर में बजट पास होता है। बजट में क्या माने, टैक्स का रेट फिक्स किया जाता है। अब अगले साल फाइनेंशियल ईयर में, मतलब कि 18 से 19 में आपका बजट पास हुआ, और 19 और 20 जो फाइनेंशियल ईयर होता है उसमें आप बिजनेस करेंगे, बिजनेस मतलब लेन देन करेंगे, कमाएंगे, तो ये जो कमाई करेंगे तो इसी के बजट में जो टैक्स का रेट है उसी के अनुसार सब काम करेंगे अकॉर्डिंग टू प्रीवियस ईयर। जब साल भर बिजनेस कर लेंगे, ये साल भर बिजनेस हो जाएगा, तब इमिडिएटली असेसमेंट ईयर में आ जाते हैं। तो 2020 से 2021 असेसमेंट ईयर हो जाएगा। अब इस साल क्या होगा कि जो भी ये बिजनेस में इसका मालिक इनकम किया है उसका टोटल इनकम पर इनकम टैक्स जोड़ा जाता है, उसको चेक किया जाता है, वेरीफाई किया जाता है। कैसे किया जाता है, तो ये कंप्लीट होने पर, तो ये कंप्लीट हो जाएगा, तो अब ये असेसमेंट ईयर आ गया। अब असेसमेंट ईयर इसको देखेगा, पीछे वाला को माने फाइनेंशियल ईयर को। फाइनेंशियल ईयर अभी रह नहीं गया, ये तो अब प्रीवियस ईयर हो गया। ओके, अब इस ईयर में ये कैलकुलेशन हो जाता है इनकम टैक्स का, बस जितने भी तरह का उस कंपनी पर टैक्स है, चाहे इनडायरेक्ट टैक्स हो और डायरेक्ट टैक्स हो। एक बात याद रखिए, अभी उतना आप लोग नहीं जानते हैं, बस इतना जानिए कि अगर डायरेक्ट टैक्स की बात करते हैं तो समझ जाइए कि इनकम टैक्स, अगर इनडायरेक्ट टैक्स की बात करते हैं तो समझ जाइए जीएसटी। जीएसटी जो होता है, जो बिजनेस करते हैं गुड्स का या सर्विस का, उस पर टैक्स हम पब्लिक से लेकर गवर्नमेंट को देते हैं, ये तो हो गया इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स जो होता है, वो जो टैक्स होता है वो आपका मालिक जो होता है, कंपनी जिसने खड़ा किया है, और वो कितना उससे कमाया, तो उसको अलग से अपने कंपनी में से देना पड़ता है टैक्स। तो ये असेसमेंट ईयर में पूरा होता है, ठीक है। अब एक चीज और, दो बात और बता रहे हैं, 31 जुलाई तक साल भर का ये होता है, लेकिन 31 जुलाई तक दे देना होता है आपको इनकम टैक्स गवर्नमेंट को। जो भी कंपनी का मालिक होगा उस पर जितना भी इनकम टैक्स टोटल कंपनी पर होता है, ये टोटल कंपनी जो होता है वो कैलकुलेशन किया जाता है, जो बजट में टैक्स रेट होता है उसी के आधार पर इस साल होता है, और वो पैसा 31 जुलाई तक दे देना होता है। अगर नहीं दिया, कोई कंपनी नहीं देती है, तो उस पर ऊपर से पेनाल्टी लगता है। अब गवर्नमेंट फिक्स करती है कि पेनाल्टी कितना परसेंट लगेगा, इनकम टैक्स तो उतना पैसा लेगी ही, ऊपर से पेनाल्टी भी लगेगी। अगर नहीं देंगे तो जेल भी जा सकते हैं, बहुत कार्रवाई होती है, गवर्नमेंट अपना 5% नहीं छोड़ता है, ठीक है। अब देखिए एक चीज और, जब इनकम टैक्स जमा किया जाता है तो एक फॉर्म होता है, उसको बोलते हैं ITR, इनकम टैक्स रिटर्न फॉर्म। तो जब फॉर्म फिलअप किया जाता है तो उसमें कहा जाता है कि असेसमेंट ईयर डालिए और इसमें डिटेल डालिए क्या क्या इनकम है आपका। तो असेसमेंट ईयर जो होता है वो डाला जाता है 19 से 20 डालिएगा, ये नहीं कि 20 से 21 डालिएगा। सर हम समझे नहीं, असेसमेंट ईयर तो 20 21 बताएं, हम डालेंगे 19 20। हाँ जी, क्यों कि ये असेसमेंट ईयर में पता चलता है कि 19 से 20 में हुआ था बिजनेस, ये असेसमेंट ईयर बताता है। क्योंकि अगले साल ये जो फाइनेंशियल ईयर है
अब ये फाइनेंशियल ईयर हो जाता है। तो याद रखिएगा कि जब भी असेसमेंट ईयर होगा तो फाइनेंशियल ईयर वाला डेट डालेंगे बस। तो आप समझ गए इस चीज़ को, तो आप लोग ध्यान से पढ़िएगा। और एक चीज याद रखिएगा, इस पर हम क्वेश्चन करेंगे आप लोगों से, आप लोग सब कोई दीजिएगा इसका आंसर, हम पूछेंगे। और बताते रहें कि आप नहीं आता है तो कमेंट कीजिए, हम सबका आंसर देंगे। ओके, बाय बाय।